साउथ के रियल गॉडफादर चिरंजीवी और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की गॉडफादर मूवी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए फैंस को सलमान और चिरंजीवी को पहली बार बड़े पर्दे पर साथ देखने का मौका मिल रहा है। फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कितना धमाल कर पाती है। लेकिन आप मूवी देखने जाएं उससे पहले आपको दे देते हैं फिल्म का एक क्विक रिव्यू। क्या है फिल्म की कहानी? कहानी में दिखाया गया है कि प्रदेश के सबसे अच्छे नागरिक और समाज सेवक जो कि सीएम भी है, पीकेआर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रदेश का पूरा राजनीतिक ढांचा हिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि प्रदेश का नया सीएम कौन बनेगा। इसी बीच कहानी में ब्रह्मा नाम के एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिससे पॉलिटिक्स को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जनता ब्रह्मा के अच्छे कामों को देखते हुए इन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्टी के दूसरे नेता ब्रह्मा को किसी भी कीमत पर कुर्सी पर बैठता नहीं देखना चाहते। अब ब्रह्मा प्रदेश के सीएम बनेंगे या फिर नहीं, ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। रिव्यू: गॉडफादर की कहानी और कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही कहानी जनता लूसिफर में देख चुकी है। यानी कि कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बार बार रीमेक करके बड़े पर्दे पर उतारने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो ही जाती है। फिर भी मोहन राजा एक यंग डायरेक्टर है जिन्होंने इस फिल्म को अच्छे से पर्दे पर जमाने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के VFX काम चलाऊ है जो अपना असर छोड़ने में नाकाम रहे, और कुछ चीजों को तो ज्यों का त्यों छाप दिया गया है। ब्रह्मा के रोल में मेगा स्टार चिरंजीवी खूब जमे, उन्होंने एक्शन सीन के अंदर जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुना है ब्रह्मा के छोटे भाई के किरदार में आने के लिए सलमान खान ने भी खूब मेहनत की है, लेकिन उनकी मेहनत बड़े पर्दे पर असर नहीं छोड़ सकी। हालांकि नयनतारा ने अपने किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय किया है, उनको एक नेता के रूप में देखना आपको बहुत पसंद आएगा। कुल मिलाकर कहे तो ये एक एवरेज मूवी है, फिर भी कुछ चीजों की वजह से इसे देखा जा सकता है। मूवी देखें या फिर नहीं, अगर आप एक्शन मूवीज के शौकीन हैं और सबसे बड़ी बात आप चिरंजीवी या सलमान के डाई हार्ड फैन हैं, तो आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखकर आनी चाहिए। हमारी तरफ से मूवी को 3 स्टार्स।